सुबह सुबह की बारिश से दरिया बन गई दिल्ली, इंडिया गेट का दिखा बुरा हाल। इंडिया गेट के पास सड़क पर घुटनों तक जल भराव का संकट, वाहन चालकों को हो रही दिक्कत। दोपहिया वाहन चालकों को जल भराव में हो रही खासी दिक्कत, कुछ लोगों ने बाइक और स्कूटी हाथ में लेकर पैदल सड़क का दरिया किया पार। राजपथ पर भी जोरदार बारिश का दिखा नजारा, जल भराव का संकट, बरसाती ओढ़कर मासूम को बूंदों की मार से बचाता दिखा एक पिता। बारिश में दिल्ली को उमस से दी राहत, मॉर्निंग वॉक करने निकले लोगों ने भीग कर की मौज। दिल्ली में सुबह बारिश के दौरान घने काले बादलों से दिन में छाया अंधेरा, गाड़ियों की लाइट जलाकर करना पड़ा सफर। दिल्ली के मथुरा रोड का बुरा हाल, जोरदार बारिश के बाद सड़क पर समंदर जैसा नजारा, आरके पुरम का भी बुरा हाल। पाली में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, सीमेंट से भरा ट्रक फंसा, चार घंटे बाद ट्रक से रेस्क्यू किया गया 3 सवार। भारी बारिश के बाद पाली में जल भराव की मुसीबत, कई गांवों में बाढ़ के हालात। कर्नाटक के बेलगावी में उफान पर है कृष्णा नदी, 20 गांवों में सैलाब का संकट, 10 लोग हुए घायल, बाढ़ में बहने से कई जानवरों की मौत। चीन में तूफान का बरपा कहर, भारी बारिश के बाद नदियों में उफान, सड़कों पर जगह जगह फूटे झरने, कई इलाकों में लोगों को किया गया रेस्क्यू। चीन के जिंजियांग प्रांत में तूफान के वक्त समंदर में दिखा जबरदस्त उफान, दीवार से टकराकर कई मीटर ऊपर उठी लहरें। भारी बारिश और तूफान से लंदन की सड़कें हुई लबालब, कई सड़कों पर दिखे बाढ़ जैसे हालात। अमेरिका के मिलार काउंटी में भी तूफान का बरपा कहर, अंधड़ की वजह से हाईवे पर 20 गाड़ियों के हुई टक्कर, 7 लोगों की मौत। मिलार काउंटी में हुए हादसे में कई लोग घायल भी हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई गाड़ियां, हाईवे पर दिखा भयावह दृश्य। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत की शानदार जीत, स्पेन को 3-0 से रौंदा। भारत की ओर से रुपिंदर पाल ने दागे 2 गोल, सिमरनजीत ने 1 गोल किया। स्पेन पर शानदार जीत से भारत के हॉकी में पदक की बड़ी उम्मीद, पूल ए में दूसरे पायदान पर पहुंची भारतीय टीम। 29 जुलाई को अर्जेंटीना से होगा भारत का मुकाबला। टेबल टेनिस में आज शतकमल का मुकाबला, तीसरे राउंड का खेलेंगे मैच। ट्यूके से वापस लौटी भारत की सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू, दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। टेबल टेनिस में पुरुष वर्ग के सिंगल्स मुकाबले में तीसरे दौर में पहुंचे शतकमल, पुर्तगाल के टियागो को दी मात। आज श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला, 1-0 से सीरीज में आगे है भारत। खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल हुए सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ श्रीलंका दौरे से सीधे जाएंगे ब्रिटेन। चोट की वजह से सुंदर, शुभमन और आवेश टीम से बाहर, 4 अगस्त से शुरू हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज। असम मिजोरम के बीच गहरा है सीमा विवाद, जबरदस्त हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गृहमंत्री ने की बात। दोनों राज्यों के पुलिस वालों और नागरिकों समेत 50 से अधिक लोग घायल, असम पुलिस का दावा, मिजोरम से बड़ी तादाद में उपद्रवियों ने असम सरकार के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने किया ट्वीट, कहा मिजोरम पुलिस ने किया लाइट मशीन गन का इस्तेमाल, सामने आ रहे सबूत। मिजोरम की ओर से भी किया गया दावा, असम पुलिस के आईजी की अगुवाई में 200 पुलिस वाले सीआरपीएफ के ड्यूटी पोस्ट पर ड्रग रन पार कर मिजोरम पुलिस के पोस्ट तक आए, तोड़फोड़ का आरोप। They forcibly crossed the duty post manned by CRPF personnel, stationed there and overrun the duty post manned by one section of Mizoram police. 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, आश्रम प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी मुलाकात। विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी, मिशन 2024 को लेकर हो सकती है बात। दिल्ली दौरे से पहले दीदी का नया दाव, पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए बनाया न्यायिक आयोग। जासूसी कांड पर आयोग को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा चुनावी हिंसा पर भी दिखाती ऐसी गंभीरता।
खेती कानूनों को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा। विपक्ष ने पेगासस जासूसी कांड और महंगाई का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने फोन टैपिंग मामले में चर्चा के लिए दिया नोटिस। जेपीसी के गठन की मांग। हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। आज भी हंगामे के आसार। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बीजेपी सरकार के 2 साल पूरा होने पर सीएम येदियुरप्पा ने किया इस्तीफे का ऐलान। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद संसद भवन में जेपी नड्डा का और अमित शाह के बीच बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर बेंगलुरु भेज सकती है पार्टी। किसी नए चेहरे को मिल सकता है मौका। बिहार विधानसभा में हंगामा। आरजेडी विधायकों ने विरोध जताने के लिए बांटा काला मास्क। आरजेडी ने बिहार विधानसभा में पिछले सत्र की कार्रवाई में हुई मारपीट का किया विरोध। विधायक सतीश दास हेलमेट पहनकर आए। प्रिंस राज ने बड़े भाई चिराग को दी नसीहत। कहा अकेले मंथन करे पार्टी में ऐसा क्यों हुआ। जीतनराम मांझी से मिले मुकेश सहनी। यूपी में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। खेती कानूनों के विरोध में किसानों की नई मोर्चाबंदी। राकेश टिकैत बोले अब लखनऊ का करेंगे घेरा। इसको भी दिल्ली बनाएंगे लखनऊ को भी। हाँ चारों तरफ तक घेर घार का बटेंगे। वो टाइम भी आओगा जब इसको भी घेरेंगे। संसद तक राहुल गांधी के ट्रैक्टर की सवारी से गदगद हुए किसान। राकेश टिकैत बोले टैंक है हमारा ट्रैक्टर। राहुल ने संसद तक की ट्रैक्टर की सवारी। खेती कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं। हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। राहुल की ट्रैक्टर की सवारी को लेकर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले साजिश भरा है मकसद। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के लिए ट्रक में छिपाकर लाया गया था ट्रैक्टर। सांसद के लेटर का हुआ इस्तेमाल। जांच के लिए टीम गठित। भारी बारिश की वजह से लबालब हुई यमुना। डाकपत्थर बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा है 10,000 क्यूसिक पानी। हरियाणा से दिल्ली तक सैलाब का खतरा। यमुना में सैलाब से निचले इलाकों में भारी नुकसान की आशंका। प्रशासन ने अभी तक जारी नहीं किया अलर्ट। दिल्ली में बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार तक जारी रहेगी बरसात। उत्तराखंड में अगले 5 दिन फिर बरसेंगे मानसूनी बादल। 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। यूपी के अमरोहा में आसमानी आफत का कहर। नदी पर बना पंटून पुल टूटा। रस्सी के सहारे नाव पर रास्ता पार कर रहे ग्रामीण। महाराष्ट्र के अमरावती में तेज बारिश की वजह से सतपुड़ा पर्वत का 1.5 किलोमीटर हिस्सा दरका। सड़क पर मलबा गिरने से गांव का संपर्क टूटा। अकोला में नदी की तेज धार के बीच युवकों की स्टंटबाजी। जिला प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन। सड़क पर गिरे बड़े बोल्डर। भरूच में नदी के तेज बहाव में फंस गई जेसीबी मशीन। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को निकाला। सीकर में अच्छी बारिश से खिले किसानों के चेहरे। कहा तेज गर्मी की वजह से दम तोड़ रही थी फसलें। आसमान से बरसा अमृत। सांगली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बाढ़ से अब भी बेहाल है महाराष्ट्र का कोल्हापुर। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की जारी है कवायद। जनसंख्या कानून पर आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का बयान। कहा मुसलमानों के नहीं होते 2 से ज्यादा बच्चे। हिंदुओं के खिलाफ है ये साजिश। सपा सांसद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई के लिए छात्रों ने किया अनोखा प्रदर्शन। कोसी नदी में उतरकर जताया विरोध। पंजाब रोडवेज के पनबस में काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों का प्रदर्शन। 2 घंटे तक बंद रही बस सेवा। मुजफ्फरनगर में अरविंद से अकबर बने युवक की घर वापसी। 2 अन्य लोगों के साथ पूरे विधि विधान से धारण किया हिंदू धर्म। अलवर में बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजोर पर हमले के विरोध में आक्रोश रैली। आंदोलनकारी किसानों को हटाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रांची में राजभवन के पास बीएड कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने किया प्रदर्शन। ई कल्याण पोर्टल फिर से शुरू करने की मांग। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किए 12वीं क्लास के नतीजे। 100% छात्र पास। कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी परीक्षा।
दतिया में 3 साल से सरकारी मदद की बाट जो रहा है शहीद रंजीत सिंह का परिवार। शिवराज सिंह ने किया था 1 करोड़ की श्रद्धा निधि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा। यूपी के पूर्व मंत्री नारद राय की गाड़ी से गुंडों ने उड़ाया सूटकेस, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। कांग्रेस नेता वंशमणि वर्मा ने सिंगरौली कलेक्टर को दी गाली, वायरल हो गया वीडियो, तमाशा देखता रहा प्रशासनिक अमला, बीजेपी ने की एफआईआर की मांग। कोलकाता में पॉन रैकेट का शिकार हुई मॉडल, साड़ी के मॉडलिंग के नाम पर जबरन पॉन शूट करवाने का आरोप, साइट्स पर अपलोड हो चुका है वीडियो, केस दर्ज। पन्ना की महारानी जितेश्वरी देवी की जमानत पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जेल में कटी चौथी रात, प्रॉपर्टी विवाद में राजमाता की शिकायत पर हुई है गिरफ्तारी। सुकमा में 17 बड़ी वारदातों में शामिल नक्सली कमांडर टाइगर रूंगा गिरफ्तार, एंटी लैंडमाइन व्हीकल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है आरोपी।